अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आफ़ताब शहज़ाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, हम हर साल लाखों टन कचरा जो है वो ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मुल्तान के तालिबे इल्म ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जो प्लास्टिक बैग जो हम कचरे में फेंक देते हैं उसको उन्होंने इकट्ठा करके एक मशीन के अंदर डालकर उसको प्लास्टिक की ईंटों में कन्वर्ट किया। उन प्लास्टिक की ईंटों से मकानात जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इन ईंटों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हमारे क्लाइमेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूझमंद चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। ये सारा इनका प्रोजेक्ट जो है ये कैसे काम करता है, कैसे इसका आइडिया आया, तमाम तर तफसीलात जो है मोहम्मद अतर हैदर से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अतर हैदर साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट बनाया। आइए इनसे बात करते हैं और बाकी की तमाम तर तफसीलात जो हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक यूनिक आइडिया कि आपने प्लास्टिक बैग से जो है वो ईंटें बना ली, तो कैसे इसका आइडिया है, कैसे सोचा कि प्लास्टिक बैग को हम इस तरह कारआमद ला सकते हैं कि ईंटें बन जाएँ उसकी? जी बिल्कुल, मैंने जो है वो पाकिस्तान के जो करंट इशूज़ हैं उनमें से एक सबसे बड़ा इशू जो है वो प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है। तो उस मिसमैनेजमेंट को देखते हुए, उसकी यूटिलाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक प्रोजेक्ट का स्टार्टअप और एक मेन कॉन्सेप्ट आइडिया लिया कि हम प्लास्टिक वेस्ट को एज ए बिल्डिंग मटीरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ इसको रीयूज़ और रीपर्पस किया जाता है वहाँ भी इसको हम एज ए बिल्डिंग मटीरियल भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो इसके पीछे मेन कोर आइडिया था वो था प्लास्टिक वेस्ट की यूटिलाइजेशन, और नंबर दो ये था कि हम इससे एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव घर, जो कि गरीब लोग जो हैं जो अपने सर के ऊपर छत अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक सस्ते यूनिट्स उनको हम बना के दें ताकि वो जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये बताएगा कितना टाइम लगा आपको इस सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने कितने अरसे में ये सारा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट हुआ? बेसिकली हमारी ये जो इस प्रोजेक्ट की रिसर्च, इसकी प्रैक्टिकल वर्क और इसकी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन तक हमारा 1.5 ईयर, डेढ़ साल का अरसा हमें लगा है इसको इस लेवल तक लाने के लिए कि हम इसको, इसकी हमने एग्जीबिशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके प्रोसीजर के बारे में बताइएगा, किन किन मराइल से गुजर कर जो है प्लास्टिक बैग जो है वो ईंट में मुंतकिल होता है? बेसिकली इसका ये है कि हम सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद हम इसकी करते हैं क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद हम इसकी श्रेडिंग करते हैं, और इसमें से जो हमारी गवर्नमेंट पे बैन है प्लास्टिक टाइप्स, जिस तरह के हमारा मेडिकल प्लास्टिक और हमारा जो पीवीसी प्लास्टिक है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, वो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे। बाकी किसी भी तरह के पॉलीथिन बैग जिसमें किसी भी तरह का हम प्लास्टिक को क्रश करके सैंड के साथ मिक्स करके, जो आपके पीछे मशीन है, इस मशीन के अंदर हम उसको यूज़ करके हम उसको डीफॉर्म करते हैं। डीफॉर्म करने के बाद हमारे पास मोल्ड्स हैं, मोल्ड के अंदर हम इस प्लास्टिक को जो इसका मटीरियल है उसको डाल के हम ईंट तैयार करते हैं। इसको आप अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है एक ईंट को तैयार होने में? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों के ये सवाल भी थे कि ये मशीन एक छोटे लेवल की मशीन है, इसे प्रोडक्शन बहुत स्लो है। बिल्कुल ऐसी है, ये मशीन बेसिकली एक कंपैक्टेबल डिज़ाइन है जो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन किया, नॉट फॉर द कमर्शियल। तो ये मशीन एक घंटे के अंदर 3 ईंटें बनाती है। इसको अगर हम मशीन का, हमारे पास इसके कमर्शियल लेवल का मॉड्यूल भी है, अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पर ले जाते हैं तो इसकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, ईंटों की बनावट अगर हम देखें तो ऐसा मालूम होता है कि 3 ईंटें जो आपस में मिली हुई हैं, तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली इस तरह है कि ये इंटरलॉकिंग बेस्ड मटेरियल है, इसके अंदर हमारी 4 वे इंटरलॉकिंग, 4 साइड से एक ईंट इंटरलॉक होकर एक दीवार की शक्ल जो है वो तैयार करेगी। तो इस तरीके से एक ईंट दूसरे के अंदर फंसती जाएगी और वो एक हमारी दीवार जो है वो पूरी मुकम्मल बन जाएगी। अगर इसका अगर मकान बनाना हो किसी में, तो कैसा मकान बनेगा, उसका कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होगा या क्या फ़वाद होंगे उसके? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो सैंड की, मतलब रेत की इस्तेमाल हो रही है, और प्लास्टिक एज ए बाइंडिंग एजेंट वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो प्लास्टिक की रेशियो बिल्कुल कम है, और अगर हमने इसको टेस्टिंग मजीद किया, इसको हमने हीट भी देके देखी है, ये डीफॉर्म नहीं होती, इसकी हमारी लैब टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के साथ हमने ये जो ईंट है वो तैयार की। तो कितनी लाइफ होगी अगर हम इसका मकान बनाएं, तो कितना अर्सा जो है वो मकान खड़ा रहेगा, और आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आते हैं,
वो सारे वो कुछ सह लेंगे ये ईंटें? जी बिल्कुल, हमने जो ये मटेरियल है ये प्लास्टिक वेस्ट है, जिस तरह के आपको पता है बनाया है, तो प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक है उसकी अपनी एक 300 साल की जिंदगी है जिसमें वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होता। तो हमने इस मटेरियल को इसलिए इस्तेमाल किया है कि एक तो ये असेंबल और रीअसेंबल हो सकता है, इसको जोड़ने के लिए ईंटों को आपस में किसी भी सीमेंट और किसी भी बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप इसको किसी भी वक्त खोल सकते हैं घर को अपने और एक नए जगह पे आप इसको तब्दील कर सकते हैं, या आपने डिज़ाइन चेंज करना है आप वो कर सकते हैं, इस घर को बनाया और दोबारा खोला जा सकता है। ये भी बताइएगा आप वेस्ट को इकट्ठा कैसे करते हैं? हम अपने अकम में देख सकते हैं बहुत सारी शैम्पू की बोतलें पड़ी हुई हैं, पर इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जाहिर बात है कूड़ा क्रिकेट पर जाके उसको इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे ये वेस्ट कलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, असल में हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि जो वेस्ट होते हैं हमारे वो कई तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, प्लास्टिक वेस्ट, हम हर चीज़ को मिक्स कर देते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि भाई आप प्लास्टिक और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका उसको आप अलग अलग एक को कलेक्ट करें। दूसरा ये कि हमने इसको इस लेवल पर किया कि हमने पहले मटीरियल को आउटसोर्सिंग करके हमने उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की, देन वो हमें कॉस्टली पड़ रहा था मटीरियल मार्केट से, देन हमने कुछ अपने लोगों की मदद से प्लास्टिक को हमने एक एरिया जिस एरिए में मैं खुद रहता हूँ वहाँ पे हमने वहाँ प्लास्टिक को कलेक्ट किया, उसको क्रश करवाया और इसमें हमने इस्तेमाल किया। फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइएगा, क्या आप इसको जो है बड़े लेवल पे करने के इरादे रखते हैं, पर हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे और इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, हम देख सकते हैं कि आइंदा जो है वो इन्हीं ईंटों के हम घर देखेंगे? जी बिल्कुल, असल में ये जितना प्रोजेक्ट हमने किया है इसके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई है, वो हमने खुद कॉस्ट बेयर की है विदाउट एनी डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो और हम लोगों के लिए और जो प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है उसको हम मिल के काम करके इसको बड़े लेवल के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करवाएँ और लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। प्रोजेक्ट जो है आपने अकेले तैयार किया या आपके साथ को आपके प्रोफेसर और ये दोस्त भी थे, या टीम प्रोजेक्ट था या सोलो था? जी बिल्कुल, जो एग्जीक्यूशन और मेन कोर आइडिया वो मेरा अपना था, बट मैंने मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली और मेरे जो प्रोफेसर्स हैं मैंने उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से और उनकी हेल्प से मैंने इसको इस एग्जीक्यूशन लेवल तक मैं लेके आया। बिल्कुल नाज़िम, मेरे साथ मुल्तान अतर हैदर साहब मौजूद थे जिन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो प्लास्टिक बैग या वो वेस्ट जिनको हम हाथ लगाना भी ऐप समझते हैं, इन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके उसको ईंटों में मुंतकिल किया और जिसके जो हम घर भी बना सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहज़ाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।